हम लोगों को जो आज करना है वो करना है कि भाई हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं, यानी अगर अकाउंट्स में हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन आ जाती है तो उस ट्रांजेक्शन की हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। स्टेप नंबर वन, बिल्कुल बेसिक से, कि अगर पहली बार कोई बच्चा अकाउंट्स कर रहा है तो उसे अकाउंट्स में या अकाउंटेंसी के अंदर सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है, उस ट्रांजेक्शन की हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री, ठीक है। वो कैसे बनती है, उसके अंदर क्या रूल्स लगते हैं, क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद हमारा काम क्या होगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है जी। चलिए, तो जर्नल एंट्री के अंदर हम लोगों को पता भाई अकाउंट्स में ना दो टर्म होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? डीआर और सीआर। डीआर की फुल फॉर्म होती है बेटा जी डेबिट रिकॉर्ड। क्या फुल फॉर्म होती है? डेबिट रिकॉर्ड, यानी कि वो चीजें जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी उनके सामने हम डीआर लगा देंगे, उन्हें डीआर से डिनोट किया जाएगा। सीआर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट रिकॉर्ड। क्या फुल फॉर्म होती है? क्रेडिट रिकॉर्ड, यानी जिन चीजों को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, उन चीजों के आगे हम क्रेडिट वर्ड या प्लेस कर देंगे या उनको डिनोट करा जाएगा सीआर से। क्लियर? तो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती हैं अकाउंट्स के अंदर, दो टर्म है। अब क्या चीजें डेबिट होंगी, क्या चीजें क्रेडिट होंगी, तो उसको समझना है हमें। तो बेसिकली बेटा हम जो है ना पांच चीजों में, पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सारी ट्रांजेक्शंस को। जो भी हमारे अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शंस होती है उनको हम मेजरली पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास असेट्स। सबसे पहले क्या आती है? असेट्स। दूसरी आती है लायबिलिटी। तीसरी आती है हमारे पास कैपिटल, देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड देन रेवेन्यू एंड गेन्स। इसको हम इनकम या प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इनकम या फिर प्रॉफिट। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो हमने अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं मेजरली उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करा? पांच। सबसे पहला कौन सा? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, और इनकम और प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? हमें इन पांचों चीजों का मतलब समझना है, बस हमें इन पांच चीजों का मतलब समझना है, और हमें इन पांच चीजों का ही ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है, पूरे अकाउंट्स में। क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, बस ये करना होता है। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आई बात किसकी? असेट की। बेटा असेट क्या होती है? असेट, जब भी आपके दिमाग में असेट नाम आ जाए या कोई सामने से आपको बोले असेट, तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या समझ में आता है पहली बार जब सुनते हैं असेट, तो क्या मतलब आता है समझ? प्रॉपर्टी, आपका जिस चीज पे अधिकार है, आपका उस पर कंट्रोल है और आपको उससे फायदा मिलता है, तो वो चीज आपके लिए क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। क्या बन जाती है? असेट, संपत्ति। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी चीज क्या होती है बेटा? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? इसको हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यह हमारा दायित्व है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे यहां पर वर्कर ने काम कर दिया, अब काम कर दिया तो उसके बदले हमें पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो आई एम लायबल टू पे दैट अमाउंट टू द वर्कर, ठीक है, तो मुझे वो अमाउंट पे करना पड़ेगा भैया, ये मेरी लायबिलिटी है। उसके बाद कैपिटल। कैपिटल तो आप लोग सब फैमिलियर है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब बिजनेस को स्टार्ट करने या बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं ऑनर्स फंड। क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड समझते हो? मालिक का पैसा। तो कैपिटल कौन लगाता है? मालिक ही तो लगाता है, तो मालिक का पैसा है ये। किसका पैसा है? मालिक का। बात क्लियर है? नहीं है। उसके बाद एक्सपेंसेस और लॉसेस। पता है एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? एक्सपेंस का मतलब क्या है? खर्चा। लॉस का मतलब क्या? हानि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पैसा गया हमारी जेब से तो हमारा एक्सपेंस हो गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी जेब से पैसा गया तो एक्सपेंस हो गया, ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ठीक है। ये नॉर्मल लोगों के लिए होता होगा कि पैसा आया तो प्रॉफिट, पैसा गया तो लॉस। स्पेशलाइज्ड अगर बनना है तो ये नहीं है। पैसा जाना और आना अलग प्रोसेस है, और एक्सपेंस और इनकम अलग प्रोसेस है, दोनों अलग अलग है। क्लियर? चलो इसके एक एग्जांपल लो। मान लीजिए मेरे से कोई उधार ले गया पैसे, मैंने उसे उधार दे दिया पैसा, तो ये क्या मेरा खर्चा है? क्या ये मेरा खर्चा हुआ? नहीं। मान लो मैं फर्नीचर खरीद करके लाया 10,000 रुपए का, तो क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं। क्यों हुआ खर्चा? एक साल के लिए थोड़ी यूज करोगे आप तो उसे साल दर साल यूज करते चले जाएंगे। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, पैसा तो गया जेब से, लेकिन क्या खर्चा है? एक्सपेंस है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस और पैसे का आउटफ्लो या इनफ्लो दोनों में फर्क होता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? चलो, इनकम और प्रॉफिट बेटा, ऐसे ही इनकम और प्रॉफिट जो है वो समझ में आ रहा है, जो पैसा कमाया, जो पैसा कमाया वो इनकम या प्रॉफिट। क्लियर है? लेकिन पैसा आया तो सिर्फ वो इनकम प्रॉफिट नहीं होगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है हमने किसी से लोन लिया हो, तो अगर हमने लोन लिया तो पैसा तो आएगा लेकिन क्या प्रॉफिट है? नहीं है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो आपको देखना पड़ेगा कि कमाया है या नहीं कमाया। तो हमने डेबिट और क्रेडिट पढ़ लिया क्या होता है, उसके बाद हमने अकाउंट्स में पढ़ लिया कि भाई अकाउंटेंसी के अंदर हमें 5 मेजर कैटेगरीज को छांटना है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हमारे काम आएंगे। क्या क्या? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप बोलो। ठीक है? ठीक है जी। अब सुनो आगे की बात बेटा, अगर असेट और या फिर लॉसेज या एक्सपेंस, असेट या फिर लॉसेज और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, तो उनको हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? और अगर ये डिक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं आया? दोबारा सुनो, असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, असेट डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। ऐसे ही एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और एक्सपेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, क्योंकि इनका बैलेंस जो होता है, जो इनका बैलेंस होता है, जो जो इनका नेचर होता है वो डेबिट होता है। इनका नेचर कौन सा होता है? डेबिट। चलो मैं यहां लिख भी देता हूं, मेंशन कर देता हूं, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर रहे। असेट का बेटा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस या लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू या इनकम और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है? तो इनका नेचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर बेटा असेट इंक्रीज होगी तो उसका नेचर क्या है? डेबिट होना। तो अगर असेट इंक्रीज हो रही है तो असेट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। और असेट अगर डिक्रीज हो रही है, यानी कि अपोजिट, तो असेट अगर डिक्रीज हो रही है तो असेट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। ऐसे ही लायबिलिटी का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी घटेगी तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। कैपिटल का नेचर क्या है? क्रेडिट। तो कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंस या लॉस का नेचर क्या है? डेबिट। तो अगर एक्सपेंस या लॉस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट। इनकम या प्रॉफिट या रेवेन्यू का जो नेचर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो अगर वो बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और घटेंगे तो डेबिट करेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है? चलो, एक चार्ट है बेटा, उस चार्ट को ध्यान से समझो। ये देखो, ये क्या है, एक बार ध्यान से समझना इसको, क्या है बेटा? यहां पर क्या लिखा हुआ है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और किसके लिए है डेबिट एंड क्रेडिट? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस, सबके लिए, सबके लिए ना। चलो, तो बेटा सबसे पहले आया असेट, सबसे पहले क्या आई? असेट। अगर असेट इंक्रीज होगी, क्या होगी, तो उसको क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। असेट अगर डिक्रीज होगी, क्या होगी, तो उसको क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। पहली बात क्लियर है नहीं है? बोलो। असेट अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। असेट अगर डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। आई थिंक क्लियर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है बेटा हमारे पास? लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, डेबिट। क्लियर है कि नहीं है? तीसरे नंबर पर कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल को क्या करा जाएगा? क्रेडिट। और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज, तो क्या करा जाएगा? डेबिट करा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? एक्सपेंस या लॉसेस, एक्सपेंस या लॉसेस, उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर बेटा एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज होंगे तो क्या करा जाएगा? डेबिट। और एक्सपेंस या लॉस डिक्रीज होंगे तो उनको क्या करा जाएगा? क्रेडिट। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? समझ में आ रहा है? उसके बाद रेवेन्यू, या फिर जिसे हम बोलते हैं इनकम, क्या बोलते हैं बेटा जी? इनकम। तो इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है यहां तक? कोई अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ। पक्का? चलो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं जर्नल एंट्री में। एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल है जी,
सैलरी पेड टू स्टाफ ₹20,000। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। क्या कहा? सैलरी पे की गई है कितने रुपए? 20,000। किसको? स्टाफ को। तो स्टाफ को हमने 20,000 रुपए सैलरी पे कर दी। अब इसके अंदर छाटते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। सुनो बेटा ध्यान से, हम कर रहे हैं डबल एंट्री। क्या कर रहे हैं? डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट आएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। आप सिर्फ डेबिट डेबिट छाट करके मत रह जाना, आपको डेबिट भी छाटना है और क्रेडिट भी। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन आपके पास है, एक ट्रांजैक्शन आपके सामने है, तो आप उसके अंदर डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों चीजें देखेंगे। ठीक है, अब इसमें ढूंढते हैं क्या है। ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड टू स्टाफ 20,000 रुपीज। सैलरी पे की गई है कितने रुपए? 20,000। क्लियर है कि नहीं है? इसके अंदर छाटो। अच्छा, अगर हमने सैलरी पे करी तो सैलरी हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस? बोलो, सैलरी हमने पे करी तो सैलरी हमारे लिए क्या? खर्चा, यानी कि एक्सपेंस। एक चीज पता चल गई। दूसरी चीज, हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने रुपए जा रहे हैं जी? यानी कि ये हमारा कैश का आउटफ्लो है। क्या है बेटा कैश का? कैश आपको पता है ना, असेट होती है। कैश क्या होती है? हमारी असेट्स। तो असेट बेटा डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? असेट क्या हो रही है? डिक्रीज। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? इंक्रीज। चलो जी, अब एंट्री की बात करते हैं। बेटा अगर एंट्री की बात करी जाए तो मुझे बताओ फटाफट से एंट्री के अंदर क्या होगा। भाई अगर एंट्री की बात करें तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा? सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो सैलरी को क्या करना पड़ेगा अपने को? डेबिट। और कैश का आउटफ्लो यानी असेट जा रही है, असेट जा रही है तो असेट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। है या नहीं है? समझ में आ गया? तो अब सुनो एंट्री क्या होगी, बहुत ही सिंपल है भाई। अगर आपको एंट्री जनरल एंट्री बनानी है तो एंट्री आप बनाएंगे ऐसे, सैलरी अकाउंट डेबिट, इस तरह से लिखते हैं। ऊपर डेबिट वाली टर्म लिखते हैं, नीचे क्रेडिट वाली। क्रेडिट के लिए टू लगाएंगे, क्रेडिट के लिए क्या लगाएंगे? टू। टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस का नाम क्या है यहां पर? सैलरी। तो सैलरी को डेबिट कर दिया गया और असेट कौन सी जा रही है? कैश। तो कैश को क्रेडिट कर दिया गया। बात समझ में आई या नहीं आई? अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 20,000। ये हमारी पहली एंट्री डन। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताएं जी। क्लियर है? तो एंट्री समझ में आ गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों करी है एंट्री? ये एंट्री किस तरीके से करी है? ये डबल एंट्री है तो हमें दो चीजें छाटनी पड़ेंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कैसे छाटा भाई? पहले मैंने एक्सपेंस या इनकम छाटा, फिर देखा कि असेट है कि लायबिलिटी है, दूसरी चीज ठीक है कैपिटल है, उन पांचों में से छाट लिया। तो मुझे पता चला एक एक्सपेंस और एक असेट है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा क्योंकि डेबिट नेचर होता है। असेट डिक्रीज हो रही है तो असेट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको अपोजिट करा जाएगा अगर डिक्रीज हो रही है। बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? पक्का पक्का चलें आगे। चलो जी अगली चीज सुनो, अगला एग्जाम्पल। गुड्स सोल्ड ₹4,50,000। बेटा जी हमने 50,000 रुपए का गुड्स बेच दिया। अच्छा, गुड्स बेचेंगे अगर तो क्या होगा? समझना मेरी बात ध्यान से। गुड्स बेचने को हम लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं बेटा जी? सेल्स। है या नहीं है? अच्छा, दूसरी चीज, ये कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? ये कैश का क्या हो रहा है अब? इनफ्लो। कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो। कैश आ रहा है यानी कैश यानी असेट आ रही है। सीधी सीधी माइन, असेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ती है तो असेट को क्या करा जाता है? डेबिट करा जाता है। तो इसका मतलब एक चीज तो पता चल गई अपने को, कि असेट को अपने को क्या करना है? डेबिट। समझ में आ गया कि नहीं आया? दूसरी चीज, सेल हमारे लिए इनकम है या नहीं है ये बताओ? रेवेन्यू है या नहीं है? सेल हमारे लिए क्या है? इनकम। इनकम बढ़ रही है कि घट रही है? इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो इनकम को क्या करा जाता है? क्रेडिट। यानी हमें दो चीजें पता चल गई, डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अब एंट्री लिख दो बस, बहुत हो गया इसमें। देखो सबसे पहले डेबिट वाली चीजें लिखेंगे, तो डेबिट में क्या लिखना है? असेट। असेट का नाम क्या है? कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू। टू किस लिए लगाया मैंने? क्रेडिट के लिए। टू क्रेडिट किसको करना है?
सेल्स को, तो टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा बच्चे यहां पर 50,000 रुपए और 50,000। आई थिंक इस एंट्री में भी आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है यहां तक? पक्का कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है? चलो जी,